नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद एक्सपीरियंस पर। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी 2016 का जो 20 सितंबर को एग्जाम हुआ है और उसकी ऑफिशियल आंसर की आ गई है, उसका मैंने अपडेट अपने चैनल के माध्यम से दे दिया है जो कि कल आई है शाम को। और यहाँ पे सेकेंड वीडियो ये दे रहा हूँ क्योंकि कौन से वो प्रश्न है जिसपे आपको ऑब्जेक्शन करने हैं, और यहाँ पे मैंने तथ्य भी दिए हैं आपको साथ में। और इसका PDF प्राप्त करने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, तो टेलीग्राम से ये पूरे ही क्वेश्चंस आप ले सकते हैं और इनके द्वारा आप अपना प्रत्यावेदन लगा सकते हैं, यानी डाल सकते हैं। और प्रत्यावेदन आयोग ने इस बार बाई पोस्ट मांगा है, इस आयोग की एक थोड़ी सी बदतमीजी, क्योंकि पहली चीज तो पेपर वाले जो पेपर बनाया पंचर वालों से बनवा लिया, पंचर वालों ने इस पेपर को बनाया है क्योंकि पेपर में इतनी गलतियां हैं, इतना पंचर कर दिया है पेपर को, तो समझ सकते हैं कि इतनी गलतियां नहीं होती हैं किसी भी पेपर में। क्वेश्चन का लेवल अलग होता है, टफ हो या मॉडरेट हो, किसी भी एरिया से आप दें वो अलग चीज़ है, मगर क्वेश्चन गलती नहीं होनी चाहिए क्योंकि एक एक क्वेश्चन समेटने के लिए अभ्यर्थी कितनी मशक्कत करता है, कितनी मेहनत करता है, आपको वो चीज़ें नहीं समझ, आपको बस पेपर बनाना है। या टाइपिंग भी मिस्टेक है तो नहीं होनी चाहिए, जिससे अभ्यर्थी को कम से कम दिक्कत का सामना करना पड़े, तो ये चीज़ें गलत हैं। आयोग को इस चीज़ को समझना चाहिए और एक कम से कम एक नियम लाना चाहिए आयोग को कि यदि 7 क्वेश्चन से ज़्यादा या 5 क्वेश्चन से ज़्यादा गलत होते हैं किसी भी पेपर में, देखिए 150-200 क्वेश्चन बनाने के लिए आपको बताइए कैसे, हमें लगता है कि बैंकिंग के पेपर देखिए कभी नहीं गलती निकलती हैं, UPSC ये कंडक्ट कराते हैं वहाँ पे एक भी क्वेश्चन नहीं ऑब्जेक्शन मांगा जाता, मगर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इतना निकृष्ट आयोग है, इतना वाहियात, इतना बदतमीज आयोग है, इसकी बात करना बेकार है क्योंकि इनको अपने मन से करना है, सुनना सबकी मन की है। प्रत्यावेदन आप मांगेंगे मगर देख लेना ये 1 से 2 क्वेश्चन में ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएंगे, मगर सब पे बढ़ाएंगे भी नहीं। इसलिए कह रहा हूँ यदि आपको एक एक नंबर का यहाँ पे देखिए, एक नंबर से आप 500 लड़कों 1000 लड़कों से आगे निकल जाते हैं, तो इन चीज़ों को समझने की जरूरत। और यदि आपको लगता है कि इन पर आपको ऑब्जेक्शन डालना चाहिए तो हर व्यक्ति डाले, तभी वहाँ पर मान्य होगा, ठीक है। तो मैं बताता हूँ, और ऑब्जेक्शन डालने के लिए एक फॉर्मेट बता दिया था अपने पिछले वीडियो में, उस फॉर्मेट में कागज पे बना लीजिए उस फॉर्मेट को, और उसी के पीछे जो क्वेश्चन है आपके प्रत्यावेदन क्वेश्चन नंबर डाल सके, और तथ्य आप प्रिंट आउट करा के चस्पा उसमें लगा के बाई पोस्ट भेज सकते हैं, स्पीड पोस्ट, तभी आप, और एड्रेस भी मैंने पिछले वीडियो में दे दिया था, तो तभी आपका मान्य होगा, ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे तब और ही अच्छी बात है। यहाँ पे बात करें जैसा कि पहला प्रश्न है हरित बॉन्ड से संबंधित, तो फ्रेंड वीडियो को पहली चीज लाइक कर दें, और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो यहाँ पे हरित बॉन्ड का क्वेश्चन है, आप सभी ने इसको सही किया, कुछ अभ्यर्थियों ने इसको मान भी लिया, कुछ चैनल वालों ने भी, मैंने देखा नहीं, मैं अपनी बात कर रहा हूं, मगर यहाँ पे देखिए कि नहीं सत्य है, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन सत्य नहीं है। आयोग ने डी को माना है मगर यहाँ पे बी वाला भी असत्य है, जिन्होंने बी लगाया उनका क्या, तो ये क्वेश्चन हटना चाहिए, एक क्वेश्चन में 2 गलत वो नहीं हो सकते हैं ऑप्शन, ठीक। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसा कि देख सकते हैं सतत विकास में इसका योगदान भी है, वर्ष 2007 में 2 प्रमुख बहुपक्षीय विकास बैंकों, ठीक, देखिए यहाँ पे वर्ल्ड बैंक कोई छोटी चीज नहीं है जो आपने उसको इग्नोर कर दिया है, ठीक, वर्ल्ड बैंक और यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक, यहाँ पे इसके द्वारा हरित बॉन्ड जारी किए गए और 2015 में हरित बॉन्ड लाए गए हैं, तो ये देख सकते हैं कि वर्ल्ड बैंक और यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक, तो यहाँ पे इन्होंने केवल यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक को ही ऑप्शन में डाला है, तो ये गलत है क्योंकि यदि आप वर्ल्ड बैंक को नहीं डालते हैं, वर्ल्ड बैंक होना चाहिए एंड होना चाहिए तभी ये सही होगा, तो ये भी ऑप्शन गलत है, भी इसको आप डाल सकते हैं, ये आप ई दृष्टि से भी ले सकते हैं, इसका मैं जो ये यहाँ पे लगाया ये ई दृष्टि का है, ठीक, तो वहां से आप ले सकते हैं। और यहाँ पे क्लाई वाला है, ये देख सकते हैं, इसका भी मैंने लगाया, ये मैंने जो इसका तथ्य मैंने जो दिए हैं वो विकिपीडिया के हैं, ठीक, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं होना क्या चाहिए ऑप्शन सही, तो कहीं है नहीं, तो यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ 13-13-2-4 होना चाहिए, यानी 13-24 होना चाहिए मगर 31-24 है, तो ये चीज गलत है, तो जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं लॉर्ड क्लाइव कब आए थे, ठीक, ये PDF का है, तो लॉर्ड क्लाइव आए थे दिसंबर 1956 को आए थे, यहाँ पे देख सकते हैं दिसंबर में लॉर्ड क्लाइव हुगली पहुंचे, पुनः की बात हो रही है, और 1757 को उस पर अपना अधिकार भी जमा लिया, तो यहाँ पे देख सकते हैं जब 56 पे आते हैं लॉर्ड क्लाइव, तो पहला होना चाहिए और पहले के बाद तीसरा होना चाहिए क्योंकि इलाहाबाद संधि 65 में होती है और 64 में बक्सर की, तो बक्सर पहले आना चाहिए, तो 1-3-2-4 होना चाहिए, मगर ये ऑप्शन में कहीं है नहीं, आप खुद देख सकते हैं, तो इसका प्रत्यावेदन खुद कोई भी ले सकते हैं, GS के ऑथेंटिक सोर्स से आप इसका लगा सकते हैं, ठीक, बहुत ज्यादा हाई तो अब इसमें नहीं करना है, या विकिपीडिया का भी आप लगा सकते हैं,
और यहाँ पे बात करी जाए कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न राज्यों में किसका नगरीकरण स्तर निम्न है, तो ये देखिए यहाँ पे मिजोरम होना चाहिए ठीक, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने प्रतिशत की बात नहीं की है। किसी भी क्वेश्चन में आप यदि प्रतिशत की बात नहीं करते हैं तो आप गलती करते हैं। जैसा कि यदि पूछा जाए कि सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या कहाँ निवास करती है, तो उत्तर प्रदेश में ठीक, और यही बात पूछी जाए कि सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत पे कहाँ निवास की जाती है, तो क्या हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। तो इन दोनों ही क्वेश्चन में थोड़ा सा अंतर करने में बहुत ज्यादा क्वेश्चन में बहुत ही ज्यादा परिवर्तन हो जाता है। तो यहाँ पे इन्होंने परसेंटेज नहीं दिया है, तो इसका आंसर मिजोरम होगा। तो इसका मैंने देखिए पूरा जो जनगणना है जो कि परीक्षा वाणी का लगाया है यहाँ पे देख सकते हैं। जैसा कि मिजोरम की बात की जाए तो पहले हम हर चीज दिखा दें, जैसा कि पहले नंबर पे है आंध्र प्रदेश दिया गया, तो आंध्र प्रदेश का देख सकते हैं 2.82 है, यानी 2.82 है। ये देख सकते हैं नगरी की बात कर रहा हूँ करोड़ में, यहाँ पे करोड़ दिया गया है ठीक, और ये है परसेंटेज। तो परसेंटेज में तो ज्यादा है, मगर यहाँ पे जनसंख्या की बात करें तो आंध्र प्रदेश 2.82 हो गया, और हरियाणा की बात करें तो हरियाणा भी आपको मैं दिखा देता हूँ, तो हरियाणा है आपका ये देख सकते हैं, एक सेकेंड, हरियाणा ये है हरियाणा 6 नंबर पे, इसका देख सकते हैं 0.84 यानी 0.88। फिर उसके बाद है सिक्किम, तो सिक्किम मैं आपको दिखा देता, नहीं सॉरी क्या था, मिजोरम, यहाँ पे देख सकते हैं मिजोरम 15 नंबर पे, तो मिजोरम का कितना है सबसे कम है यहाँ पे 0.57। और उसके बाद दिखा देता हूँ पश्चिम बंगाल, मगर इन्होंने पश्चिम बंगाल को माना है, तो ये ऑब्जेक्शन वाला क्वेश्चन है वो 100% ये सही है जो मेरे द्वारा दिया गया तथ्य है। तो पश्चिम बंगाल मैं आपको दिखा देता हूँ, एक सेकंड, 19 नंबर पे आप देखिए पश्चिम बंगाल है, और 19 नंबर पश्चिम बंगाल है 2.90, तो इस हिसाब से तो पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा है ठीक। और यहाँ पे इसकी परसेंटेज बात कीजिए 31.9 है, तो इस परसेंटेज की दर से पूछा होता तो पश्चिम बंगाल आंसर सही हो जाता, मगर इन्होंने जिक्र ही नहीं किया परसेंटेज की दर से पूछा गया है ठीक। तो यहाँ पे 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में इसकी नगरीकरण स्तर सबसे निम्न है, तो सबसे ज्यादा की बात की जाती तो गोवा, उसके बाद मिजोरम आता है परसेंटेज में, तो इसी दृष्टि से सबसे कम भी मिजोरम में होगी, निम्न की बात पूछी गई है, आप इसे आपको मिलेगा सही होगा ऑप्शन नंबर सी। और उसके बाद फ्रेंड्स बात की जाए, यहाँ पे अगला प्रश्न है जो 29 जून 2020 की थीम ठीक, यहाँ पे देखिए सतत विकास दिया गया, ये 2019 की है, ये खुद इन्होंने निकाला है ठीक, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसा कि देख सकते हैं 2019 की जून 29 जून 2019 का क्या है विषय, मूल विषय है SDG, और यहाँ पे देख सकते हैं SDG, और उसके आगे कुछ भी नहीं दिया गया है ठीक। अब यहाँ पे बात की जाए 20 वाले की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे इन्होंने देखिए यहाँ पे भी दिया है SDG सतत विकास लक्ष्य विषय में, इन्होंने अपना ये भी लगाया, इसलिए मैंने प्रिंटेड दे दिया है विषय SDG दे दिया है। अब 20 की बात करें तो 20 वाले में देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए ये भी PIB सोर्स है ठीक है, अथेंटिक सोर्स जितने भी मैंने दिए सब दिए हैं, महालनोबिस के उसमें मनाया जाता है। अब 2020 का मुख्य विषय की बात की जाए, यहाँ पे देख सकते हैं कि SDG विकास लक्ष्य 3, सभी के लिए स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करना और सबकी भलाई को बढ़ावा देना है, और SDG 5 लैंगिक समानता हासिल करना और सभी महिलाओं एवं लड़कियों को सशक्त बनाना। तो कम से कम इनको SDG के आगे जब देना चाहिए ऑप्शन में S और DG देना चाहिए, तो कम से कम 3 और 5 लिखना चाहिए तभी ये सही हो पाता। और इन्होंने नॉर्मल देखा कि 2019 का भी था, तो अभ्यर्थी इसमें कन्फ्यूज भी हुए हैं, उन्होंने नहीं लगाया जिन्होंने पढ़ा था 2019 का, क्योंकि 2019 का जो पढ़ के गए होंगे या देख लिया 2020 ना ध्यान में रहा हो, तो उनके द्वारा नहीं किया गया है क्वेश्चन, तो ये एक तरह से भ्रम फैलाने वाली स्थिति है। और आयोग के SDG 3 और 5 यहाँ पे मेंशन करना चाहिए ऑप्शन में, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, यदि आपने ऑप्शन दिया है तो सतत विकास लक्ष्य 3 और 5 करना चाहिए तब ये क्वेश्चन सही होता है, मगर इन्होंने सतत विकास लक्ष्य केवल रखा है, उसके अंदर की चीजें नहीं दी हैं जो सब कैटेगरी होती हैं, उन्होंने यहाँ पे नहीं दिया, तो इससे एक क्वेश्चन विवादास्पद में श्रेणी में चला गया। यहाँ पे बात करें अगला है पीतल की मूर्तियां, ये हर व्यक्ति यानी कि जिसने भी परीक्षा वाली पढ़ी होगी उत्तर प्रदेश की, तो उसने क्वेश्चन सही किया होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी ही होगा ठीक, क्योंकि बेत और छड़िया बरेली में पाई जाती हैं, गोटा का कर लखनऊ वाराणसी में होता है, पीतल की मूर्तियां मथुरा में होती, ताले अलीगढ़ के हैं, तो ऑप्शन नंबर डी आयोग ने मगर बी माना। पीतल की मूर्तियां मैं आपको दिखा देता हूँ, यदि पीतल के बर्तन बोलता तभी सही होता मुरादाबाद, तो मैं आपको इसका यहाँ का वाणी का सब कुछ दिखा रहा हूँ ठीक है, ये अपनी तरफ से मैं कुछ भी नहीं कह रहा हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं पीतल, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे बर्तन की बात की गई, यहाँ पे बर्तन की बात की जाए तो हो जाएगा आपका क्या मुरादाबाद, यहाँ पे देख सकते हैं पीतल की मूर्तियां साफ सब लिखा है फ्रेंड्स, पीतल की मूर्तियां मथुरा में बनाए जाते हैं, तो यह बुक गलत है ठीक, यदि ये इस बुक की मानते हैं तो इसके हिसाब से प्रत्यावेदन आप डाल सकते हैं, परीक्षा वाणी से मैंने दिया है पीतल की मूर्तियां एवं ताले
तांबे के बर्तन मथुरा में बनाए जाते हैं, ये देख सकते हैं ठीक। इससे आप लगा सकते हैं, आप खुद देख सकते हैं, औद्योगिक उसमें जाइए, उत्तर प्रदेश परीक्षा वाड़ी खोलिए, आप खुद देख लीजिए, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। और मुख्य जो कृषि जलवायु क्षेत्र है, ये कितना रिपीटेड प्रश्न है और आया भी है, 2017 में भी पूछा गया है, पीसीएस में भी आया है, नौ है, यहाँ पे देख सकते हैं कृषि जलवायु क्षेत्र है, मगर यहाँ पे मुख्य इन्होंने लगा दिया तो थोड़ा सा क्लियर कट नहीं बताया है, बस इसी तरह से होगा तो होगा, मगर इसका भी आप डालना चाहते हैं तो प्रत्यावेदन डाल सकते हैं, ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं इसका। कृषि जलवायु क्षेत्र नौ है, बट इन्होंने मुख्य की दृष्टि से तीन लगाए हैं, इसका भी परीक्षा वाणी से मैंने दिया है, इसे लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। और यहाँ पे ठोस अपशिष्ट की अशुद्धियां के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उपयोगी नहीं है, तो फ्रेंड्स इसमें ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि ये तीनों ही है फ्रेंड्स, यहाँ पे नहीं नहीं होना चाहिए ठीक, यहाँ उपयुक्त में से कोई नहीं होना चाहिए, उपयुक्त में से, क्योंकि उपयुक्त सभी हैं, यहाँ पे यह क्वेश्चन नहीं होता, नहीं नहीं होता तो आप सही हो जाता, क्योंकि ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उपयोगी है, तो सभी हैं उपयोगी, ऊर्ध्वपतन क्रिस्टलीकरण आसवन, ये भी सही है, यहाँ पे देख सकते हैं ये भी मैंने दिया है, और ये डाउट नोट्स का है, यहाँ पे क्लास ट्वेल्थ का देख सकते हैं चैप्टर प्यूरिफिकेशन एंड का है, और इसमें दिया गया ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये चैप्टर है, इसमें साफ साफ ये चीजें क्लियर की गई हैं, और ये एज इट इज क्वेश्चन यही है, देख सकते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग, इंग्लिश वर्जन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉलिड इम्प्योरिटीज, तो यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट सोल्यूशन भी दिया गया है, डिस्टिलाइजेशन, सब्लिमेशन और क्रिस्टलाइजेशन, नन ऑफ दिस, तो ऑप्शन दिया गया डी, अब ऑल ऑफ दीज आर यूज फॉर द प्यूरिफिकेशन एंड सॉलिड इम्प्योरिटीज, तो देख सकते हैं ये भी क्वेश्चन आप इसे डाउट डाल सकते हैं ठीक, तो इसका है या इसे भी ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं इसमें। और फ्रेंड्स यहाँ पे बता दूं आपको, ये है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है, राजद्रोही सभाओं को रोकने का अधिनियम, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, जैसा कि राजद्रोही सभाओं का अधिनियम 1907 में आया था, देखिए प्रिवेंशन ऑफ सेडिटियस, ये देख सकते हैं 2007 में आया था ये राजद्रोह का एक्ट, राजद्रोही सभा को रोकने का अधिनियम आया था 1907 में, इसका मैंने विकिपीडिया से दिया है। और उसके बाद ये देख सकते हैं विस्फोटक अधिनियम 1884, इन्होंने साफ साफ दे रखा है, ये भारत सरकार का है, मैं अपनी तरफ से नहीं दे रहा हूँ ठीक। और यहाँ पे यदि ये क्वेश्चन होता यहाँ पे कि भारतीय विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, तब आता 1908, तो यहाँ पे विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की बात की गई है जो कि 1884 में आया था, ये भी ऑब्जेक्शन वाला प्रश्न हो जाएगा। और फ्रेंड्स शुद्ध वर्तनी, अब हिंदी की बात है, क्योंकि 8 प्रश्न है आपके जीएस के, 7 प्रश्न और 2 से 3 प्रश्न है हिंदी के, दैदीप्यमान यहाँ पे ये सही होगा, आप देख सकते हैं कैसे लिखा जाता है, तो दैदीप्यमान ठीक ये मैंने लगा दिया है, आप देख सकते हैं स्रोत है, आप गूगल करेंगे उसमें भी आप दिख जाएगा दैदीप्यमान कैसे शुद्ध वर्तनी होती है। और यहाँ पे ये है अगला प्रश्न मानसिक, कुछ अभ्यर्थी इसमें कह रहे थे कि मानसिक विशेषण मूल शब्द से बना है, तो इसमें कौन सा है, मानस, आयोग ने तो मानस माना है, मगर देखिए इसमें दोनों ही क्वेश्चन गलत है, ये क्वेश्चन ही गलत दिया गया है, क्योंकि मानसिक मन से बनता है ठीक, मन का विशेषण होता है मानसिक, ये देखिए कि जो हिंदी की है पीएन पांडे, तो उसमें आप देख सकते हैं पृथ्वीनाथ पांडे में ये साफ साफ दिया गया मन का मानसिक, आप खुद जाके उसे चेक कर सकते हैं। तो कुछ अभ्यर्थी कह रहे थे नहीं ऐसा नहीं, जो मान होता है मान का मान्य होता है, तो इस हिसाब से यदि इनकी टाइपिंग एरर होगी तो ऑप्शन ए देना चाहिए, मन का मान यदि मान सकते हैं डंडा लगा दिया तो मान्य हो गया, पूरा अर्थ का अनर्थ हो गया, चेंज कर दिया, आंसर ही मानस नहीं होगा ठीक, ये भी ऑब्जेक्शन वाला प्रश्न है, क्योंकि मानसिक का पूछा तो मानसिक का होता है मन, तो मन कहीं भी दिया नहीं है ठीक, या मनस या सा नहीं होता, यहाँ पे मन होता तो ये हो जाता, मगर इनके भी ऑप्शन ये गलत है। तो ऐसे फ्रेंड्स पूरे 10 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, और सबसे ज्यादा और अथेंटिक सोर्स से ये मैंने जो तथ्य दिए ये भी अथेंटिक है, अपनी तरफ से मैंने नहीं दिए हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पे एक क्वेश्चन ये है, मगर आयोग ने सही लगा है, मुझे लग रहा है कि इसके बावजूद हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती हैं, तो आयोग ने इसे माना है, और कुछ अभ्यर्थी कह रहे हैं कमेंट में, कमेंट करके कि होना चाहिए इसके बावजूद भी हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती है, भूलें नहीं होता है, तो देखिए यहाँ पे एक तरह से आयोग ने इसे सही आंसर दिया है, इसका आयोग नहीं बदलेगा, मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि जो जो कमेंट आए हैं कमेंट बॉक्स में और कुछ पर्सनल मैसेज आए उनको ध्यान में रखते हुए सब क्वेश्चनों को मैंने यहाँ पे सम्मिलित किया है, तो आपके ऊपर चीजें निर्भर करती हैं आपको किसे ऑब्जेक्शन में डालना, यदि डालेंगे ज्यादा से ज्यादा तभी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, नहीं तो एक एक क्वेश्चन से आप आगे पीछे हो जाते हैं, हजारों 2000 लड़के इधर से उधर हो जाते हैं, तो अपने एक एक नंबर को जुटा के चलिए, तभी देखिए बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो इस चीज को समझिए और ऑब्जेक्शन डालिए, जो आपको तथ्य ना मिले तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, उसके लिए आप टेलीग्राम से जुड़ जाएं, टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, सब्सक्राइब आउट कर लें और बेल आइकन का बस प्रेस कर लें, जिससे आपको मैं कोई भी वीडियो डालूं उसका टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहे। और क्योंकि मैंने जल्दी इसलिए नहीं डाला क्योंकि फ्रेंड्स
क्योंकि कल मैंने आपको अपडेट दी थी और मैंने आप लोगों के कमेंट देखे और जो मैसेज किए उसके बाद मैंने तथ्य जुटाए, और क्योंकि ऑथेंटिक तथ्य भी होने चाहिए तभी देने में मजा आती है। तो इतने क्वेश्चन बिल्कुल डरावना एक तरह से पेपर का जो इन्होंने आंसर की निकाली, ऐसा इतना घटिया आंसर की कोई नहीं देता है, किसी भी आयोग ने इतनी घटिया आंसर की कोई जारी नहीं करता। 10-10, 12-12 क्वेश्चन गलत हों उसके बाद फिर आप ऑब्जेक्शन मांगे, और वो भी इतनी गलत तरीके से ऑब्जेक्शन मांग रहे हैं। ऑनलाइन होना चाहिए, जो कि आप बताइए स्पीड पोस्ट मांग रहे हैं, यानी कि बाई पोस्ट आपको चाहिए ऑब्जेक्शन। तो ये सब चीज़ें गलत है कि सब लोग कर ना पाएँ और पैसे भी जुटाया जा सके, क्योंकि आप स्पीड पोस्ट करेंगे उसमें पैसा मिलेगा इन्हें। ये सब तरीके हैं वसूली करने के, और बेसिक यही है अपडेट। और भी अपडेट पाने के लिए आप मुझसे जुड़ जाएँ, चैनल पर बने रहें, और यही कहूँगा कि किसके कितने मार्क्स बन रहे हैं आफ्टर जो आंसर किया ही है आप मुझे कमेंट बॉक्स में करें, और बिल्कुल जैनविन करें, क्योंकि कुछ अभ्यर्थी देखिए कमेंट में 139 बताने के बाद भी कंफर्म कर रहे हैं कि क्या मैं मेंस लिख पाऊंगा। तो देखिए ऐसे कमेंट करने वालों को मैं बता दूं कि आपको यदि अपने ऊपर शक है इतने नंबर लाने के बाद भी, तो मुझे लगता है आपने अपने मन से पढ़ाई नहीं की, किसी की नकल मारी है, या आप खुद में डाउट हैं। ठीक, तो इतने नंबर लाने के बाद आपको शक हो रहा है कि आप मेंस देंगे क्या या नहीं, क्या 161-180 जाएगी, क्योंकि 1/3 यहाँ पे माइनस मार्किंग भी थी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जनगणना से दो ही प्रश्न, ऐसे हर बार 8-9 प्रश्न आते थे, तो इस बार उत्तर प्रदेश से वेटेज ज़्यादा देखा गया, तो पेपर का लेवल थोड़ा सा डिफरेंट था। ठीक, तो ये चीज़ें हैं, और भी जानकारी चाहिए तो बने रहें, मुझसे जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बस प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।